महाभारत के समय की बात है। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते ना, इसीलिए हम सब चूहों की तरह प्राण बचाते भटक रहे हैं। दिवाली पर हुआ फायदा, क्या रहा कंटारा का हाल, कितनी हुई पुणे इन सिल्वान की कलेक्शन, क्या राम सेतु और थैंक गॉड से होगा फायदा, बॉक्स ऑफिस पर हिंदी कन्नड़ और हॉलीवुड फिल्मों के बीच भिड़ंत देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी अपनी लागत निकालने की जद्दोजहद में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ साउथ की छोटे बजट की फिल्म कांतारा ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। इसी बीच हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म ब्लैक एडम की बॉक्स ऑफिस पर एंट्री हुई है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस का महारथी कौन बना? डॉक्टर जी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले 10 दिनों में कम प्रदर्शन किया और भारत में 24.76 करोड़ की कमाई की। पेश है डॉक्टर जी का 11वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी। डॉक्टर जी ने अपने 11वें दिन 1.07 करोड़ इंडिया नेट कमाए। इसके साथ ही पुणे इन सेल्वन भाग 1 ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले 24 दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया और भारत में लगभग 257.41 करोड़ की कमाई की। पेश है पुणे इन सेल्वन पार्ट 1 का 25वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी। पुणे इन सेल्वन भाग 1 ने सभी भाषाओं के लिए अपने 25वें दिन भारत में 1.50 करोड़ की कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर कंटारा को कोई रोक नहीं सकता है। ऋषभ शेट्टी की हिट कन्नड़ फिल्म का हिंदी संस्करण अब हिट हो रहा है। गुड वर्क ऑफ साउथ ने हिंदी में फिल्मों के कारोबार को बहुत मदद की है। फिल्म का हिंदी संस्करण 24 अक्टूबर को जारी किया गया था और ऋषभ शेट्टी स्टारर ने अपने शुरुआती दिन में लगभग 1.27 करोड़ रुपए कमाए। संख्या अतः बढ़ती रही और अब ये 25 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है। फिल्म की हर किसी ने तारीफ की है। ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित कन्नड़ एक्शन थ्रिलर 24 अक्टूबर को हिंदी में रिलीज हुई। फिल्म ने दिवाली के उत्साह के बावजूद सोमवार 24 अक्टूबर को अच्छी कमाई की। ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने पहले ट्वीट किया था, कंतारा हैशटैग हिंदी वर्जन ने वीकेंड 2 में एक स्वस्थ कुल पैक किया 2.55 करोड़, सूर्या 2.65 करोड़, कुल 22.25 करोड़ इंडिया बजट नेट बीओसी। इसलिए दिवाली पर कंटारा हिंदी ने 25 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। साथ ही एंड जॉनसन स्टारर सुपर हीरो फिल्म ब्लैक एडम को लेकर समीक्षण भले ही उत्साहित न हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर प्रशंसा अपने बटुए के साथ अपना समर्थन दिखा रहे हैं। द रॉक के स्टारडम और पारिवारिक दर्शकों की अपील द्वारा संचालित नवीनतम हॉलीवुड फिल्म ने शुरुआती सप्ताहांत में भारत और विदेशों में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत में एक्शन फिल्म अब दर्शकों के लिए बॉलीवुड रिलीज राम सेतु और थैंक गॉड के साथ चल रही है। भारत में 20 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद द रॉक के फिल्म ब्लैक एडम ने 4 दिनों में 23 करोड़ रुपए कमाए। सोमवार को दिवाली समारोह के कारण दिन के उत्तरार्ध में लोगों की भीड़ कम रही। इसके बावजूद फिल्म 5 दिनों में करीब 28 करोड़ रुपए का बिजनेस करने की तैयारी में है। तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में कहा कि दिवाली उत्साह के बावजूद दर्शक जा रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इसके बेहतर कारोबार करने का मौका है। ब्लैक एडम को अक्षय कुमार अभिनीत राम सेतु और अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत थैंक गॉड से बॉक्स ऑफिस पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फिल्म पारिवारिक दर्शकों के लिए होने की उम्मीद है, इसलिए ब्लैक एडम के लिए काम कठिन होगा। अमेरिकी बाजार में ब्लैक एडम को मार्वल के ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर के 11 नवंबर को सिनेमाघरों में आने तक ज्यादा भारी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्लैक एडम दर्शकों के लिए अपरिचित एक नए चरित्र पर केंद्रित है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में राम सेतु थैंक गॉड से कलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहे, बाय।